स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 25 अगस्त 2023 है और दिन है शुक्रवार। तो कैसा रहेगा फ्राइडे का दिन मेष राशि और वृषभ राशि वालों के लिए? कैसे चलेगा नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, रिलेशनशिप, दाम्पत्य जीवन और धन की स्थिति, सभी विषयों की चर्चा करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखिए। तो शुरू करते हैं राशि पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। सावन मास चल रहा है, सावन मास की नवमी तिथि है। नवमी तिथि को रिक्ता तिथि भी कहा जाता है। इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जाते हैं। और वैसे आज कोई पंचांग के अंदर रवि योग बना हुआ है, तो रवि योग एक शक्तिशाली योग होता है जो तिथि की अशुभता को दूर करता है। तो आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कार्य शुरू करना है, तो आप कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज इस टाइप का दिन है कि इनका झुकाव थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर होएगा, ईश्वर के प्रति इनका समर्पण भाव होएगा और अपने परिवार में इस जहाँ भी वर्क प्लेस है या आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी है, आपका झुकाव इस टाइप का होगा कि गुरु तुल्य व्यक्ति के प्रति आपका सम्मान अपने आप ही आएगा। और इसका कारण ये होएगा कि आपके अंदर कुछ परेशानी चल रही है मन के अंदर, जिसके कारण आप अपने गुरु तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करेंगे। अपने मन की परेशानी को आज आप किसी से बोल नहीं पा रहे, इस कारण से आज दिन इस टाइप का है कि आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव को अपने मन की व्यथा अवश्य ही सुनाएं। इससे आपको काफ़ी कुछ रिलीफ मिलेगा। और अगर आप भगवान हनुमान के भक्त हैं तो भगवान हनुमान के मंदिर में जाके भगवान हनुमान से मन ही मन वार्तालाप करने से भी आपकी समस्या का हल आपको नज़र आएगा। अपने इष्ट देव के दर्शन करने आज आप जरूरी जाएं। आध्यात्म के साथ साथ आज आपके जीवन के अंदर मान सम्मान भी आपका बना हुआ है। लोगों से आपको मान सम्मान प्राप्त होएगा और समाज में आपकी छवि अच्छी रहेगी। मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। हालांकि परेशानी तो मन में चल रही है, वो कई दिनों से चल रही है, परंतु आज कोई शुभ समाचार, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, जिसके कारण आपके परिवार में थोड़ा सा खुशी का माहौल रहेगा और परिवार का वातावरण सही हो जाएगा और उससे आप स्वयं भी हंसमुख हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। तो आप प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी समस्याओं को भूल के दूसरों को प्रसन्न करने में या अपने परिवार को टाइम देने में अवश्य ही आप योगदान दें। किसी भी तरह की पुरानी बातों को आज परिवार में न उठाएं और न ही अपने रिश्ते के अंदर उठाएं। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच रहे हैं और व्यापारी हैं या आप नौकरीशुदा, तो बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आज आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव में चंद्रमा चल रहा है, इस कारण से बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। हालांकि अचानक लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, अचानक से आपको धन की प्राप्ति, अचानक से लाभ आपको हो सकता है। तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने अगर जा रहे हैं तो किसी जानकार की सलाह से लें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आप न करें। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, परंतु व्यापार में पुरानी गलतियाँ दोहराने से आप बचें, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में ज़्यादा जजमेंटल न बने, न ही पुरानी और बेकार की बातों को आप उठाएं, इससे आपके पार्टनर का मूड खराब हो सकता है। इसलिए अपने पार्टनर के मूड को सही रखना आज बेहद ज़रूरी है। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन ठीक है, वहाँ थोड़ी सी दूरियाँ बनी हुई है। अपने वैवाहिक जीवन में करीबियाँ लाएं अपने पार्टनर के साथ। मन की बात करें, मानसिक संतुष्टि दें, उसके बाद आपको अन्य सुख भी प्राप्त होंगे। तो जितनी ज़्यादा आप अपने जीवनसाथी के साथ कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके संबंधों में सुधार होता हुआ चले जाएगा। स्टूडेंट्स को आज अपनी एकाग्रता स्टडी के प्रति बनाए रखनी है, किसी भी तरह का भटकाव और गलत संगत से दूर रहना चाहिए। पूरे दिन आपको भाग्य का साथ मेष राशि वालों को मिल रहा है, इसलिए कुछ न कुछ अच्छी खबर भी मिलती रहेगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। भागदौड़ तो रहेगी परंतु आपका मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानी चल रही है, हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है या पेट के निचले वाले हिस्से में या ब्लड से संबंधित आपको प्रॉब्लम रह सकती है, बाकी दिन आपका ठीक है। यात्रा की भी संभावना है, आज यात्रा करते समय दिशाशूल का ध्यान रखें। वेस्ट की दिशा में दिशाशूल लगा हुआ है, इसलिए वेस्ट की यात्रा कर रहे हैं तो कुछ कदम ईस्ट में या नॉर्थ में जाएं, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करें। आज किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है और कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। कोई भी नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो राहु काल का ध्यान रखें। आज का राहु काल है 10:30 से 12 o'clock के बीच में। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें, अभिजीत मुहूर्त में करें जो 12 बजे के आसपास शुरू होएगा और 12:50 ही 54 मिनट तक चलेगा।
तो इस तरह से मेष राशि वालों का दिन बीत रहा है। अब क्या उपाय करें कि आपका दिन शानदार बीत जाए। आज भगवान शिव के मंदिर में या भगवान हनुमान के मंदिर में अवश्य जाएं और कुछ क्षण वहाँ पे शांति से बैठ के भगवान से वार्तालाप करें। साथ ही भगवान शिव को गन्ने का रस अगर आप अर्पित करते हैं आज शुक्रवार को, या अनार का रस अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में धन से संबंधित प्रॉब्लम दूर होगी। साथ ही साथ सफ़ेद रंग का पुष्प भगवान शिव को अवश्य ही चढ़ाएं और भगवान शिव के मंदिर में बैठ के हनुमान मंत्र या हनुमान चालीसा का जाप करने से भी आपके जीवन में शुभता बनेगी, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अवश्य करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को शेयर कीजिए, किसी एक न एक व्यक्ति को अवश्य ही शेयर कीजिए, और अच्छा ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य की लगातार वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। अब आप बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के चंद्रमा चल रहे हैं सेवेंथ घर के अंदर। सेवेंथ घर होता है हमारे लिक्विड करेंसी का, हमारे व्यापारिक पार्टनर का, हमारे व्यापार का, हमारे लाइफ पार्टनर का, तो इनसे संबंधित रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये चंद्रमा चल रहे हैं अभी वृश्चिक राशि के अंदर, अनुराधा और स्वाति नक्षत्र के अंदर। तो एक तरह से देखें तो सावन मास का जो सोम ये शुक्रवार है, ये माँ लक्ष्मी का वार है, तो आज माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उपाय आप अवश्य करें, जिसकी चर्चा आखिर में की जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए दिन ठीक है, सुबह भागदौड़ अधिक रहेगी, उसके बाद दिन धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। बिजी तो रहेंगे आप, भागदौड़ भी अधिक रहेगी, परंतु फिर भी दिन आपका ठीक बना रहेगा। किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय राहु काल का ध्यान रखें। आज का राहु काल 12 o'clock से स्टार्ट होके 10:30 से स्टार्ट होके 12 o'clock तक है। इस समय आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। कोई भी शुभ काम, नया काम, अच्छा काम हमको राहु काल में कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। हर जगह का राहु काल अलग अलग होता है, आप अपने शहर का राहु काल अपने पंचांग के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी अभिजीत मुहूर्त सबसे बढ़िया होता है, जिसको आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे के आसपास स्टार्ट होएगा, जो 12:54 तक चलेगा। तो इस समय आप कीजिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी नया सीखने का आप प्रयास कीजिए, नई स्किल, नया कोई कौशल सीखने का प्रयास कीजिए आज, और क्रिएटिव बने रहें। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव रहेंगे, नए आइडियाज़, नए चीज़ों को आप अपने व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में इम्प्लीमेंट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। पूरा दिन इसी टाइप का है कि आपको क्रिएटिव बना रहना है, अपने आप को कला से, कलात्मकता से, कार्य कुशलता से जुड़ना है। जो भी आज आप कार्य करें उसको बहुत ही कुशलता के साथ करें। आज हालांकि आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और अधीनस्थ कर्मचारियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होएगा। वर्क प्लेस पे दिन आपका बढ़िया बीतेगा। सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज अचानक धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। दिन इस हिसाब से भी थोड़ा सकारात्मक है। चंद्रमा सेवंथ में चल रहे हैं, इसलिए सेवंथ के चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़ रही है। इस कारण से आज कोई महत्वपूर्ण काम होगा या कोई आपकी अपने मन की इच्छा पूरी होने वाली है। यात्रा का भी योग बना हुआ है, जीवन साथी के साथ भी यात्रा कर सकते हैं और वैसे भी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी और यात्रा में आपको आनंद और मंगल की प्राप्ति होगी। यात्रा करते समय दिशाशूल का ध्यान रखें। आज का दिशाशूल वेस्ट दिशा में है, तो वेस्ट की यात्रा पर आप जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ कदम ईस्ट में जाएं या फिर आप नॉर्थ में जाएं, उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करें। तो इस तरह से यात्रा का परिहार करके ही आप चलें। जीवन साथी के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करें, अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉपर तरीके से टाइम दें। सभी मेष राशि वालों के लिए दिन आज बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा अगर ये एक चीज़ का पूरे दिन ध्यान रखते हैं, वो है अपने शब्दों का, अपनी वाणी का। अपनी वाणी को बहुत ही मधुर बनाइए, इतनी मधुर बनाइए अपने शब्दों को, वाणी को, कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो, आपके विचारों से और आपकी वाणी से प्रभावित हो जाए। वाणी में कटुता न आने दें। वाणी की कटुता, कड़वाहट से आपके रिश्ते भी खराब होंगे और आपका दिन भी खराब होगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से आज समझ के चलें। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी अगर आपसे कोई गलती हुई है, कुछ बोलने में गलती हो गई, कुछ इस टाइप से जो भी आपके संग मिस्टेक आपने अपने लव पार्टनर के संग किए, तो उस गलती को एहसास करते हुए संबंध सुधारने की ओर जोर दीजिए। किसी भी तरह से आप अपने संबंधों को सुधारने की ओर जोर दीजिए, अपनी ओर से प्रयासरत की होइए। तो इस तरह से आप सुखों में किसी भी प्रकार के अपने पार्टनर के कमी ना आने दें और उसको अच्छा फील कराएं।
रिश्तों के अंदर एक ही चीज़ होती है कि सामने वाले को अच्छा फील कराएं, बस यही करना होता है और यही से ही रिश्ते सही चलते हैं। तो सिर्फ अच्छा फील कराएं और स्वयं भी अच्छा फील हो। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, शुभ है, सफलता देने वाला है, संतोषप्रद स्टडी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट के रोग और आँख से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ आप ध्यान रख के चलें। अब क्या उपाय करें कि आपका ये दिन अच्छी तरह से बीत जाए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। आज शुक्रवार है और माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का आज वार है, तो आप माँ लक्ष्मी का लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या फिर माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप अवश्य करें। अगर भगवान शिव के मंदिर में करते हैं तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का दैनिक राशिफल। आपके लिए जीवन में शुभता बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।